हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फूड एंड मूड किचन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन आ रहा है, तो मैंने सोचा रक्षाबंधन पर ऐसा क्या बनाया जाए जो कि खाने में एकदम टेस्टी हो, सॉफ्ट हो और बनाना भी आसान हो, झटपट से बन जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना मलाई लड्डू बनाया जाए। तो आज मैं बनना आपके साथ में मलाई लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, एकदम मुंह में घुल जाने वाले। तो इस रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मलाई लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पर है ना 1 लीटर दूध ले लिया है और इसका हम बना रहे हैं छेना। तो ये मैंने उबाल लिया था, गर्म है, तो इसमें मैं है ना नींबू का रस डाल रही हूँ। मैंने 1 नींबू का रस लिया था और उतना इसमें पानी ऐड कर दिया। तो मैं स्पून की सहायता से उसमें थोड़ा थोड़ा ऐड कर रही हूँ और बिल्कुल ही जेंटली तरीके से इसको घुमा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, हमें ना नींबू का रस एकदम नहीं डालना है, स्पून की सहायता से थोड़ा थोड़ा करके डालना है, जिससे कि दूध हमारा फटता जाए। ये देखिए फ्रेंड, दूध फट रहा है, ये देखिए। तो इसी तरीके से मैं सारा नींबू का रस डाल दूंगी। और फ्रेंड्स, मैंने नींबू का रस डाल दिया है, तो मैं इसको थोड़ा सा गर्म और कर लेती हूँ, जिससे कि पूरा फट जाए, छेना अलग हो जाए, पानी अलग हो जाए। तो वो मैंने गैस पे रख दिया है और यहाँ पर मैंने 1 लीटर अलग से दूध लिया, फुल क्रीम दूध है, भैंस का दूध है, बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाया है इसमें मैंने। तो आइए गैस के पास चलते हैं। तो ये देखिए छेना भी तैयार हो गया हमारा, मैंने थोड़ा सा गर्म किया था, उसी में ही पानी अलग हो गया, छेना अलग हो गया, तो ज़्यादा गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ी थी मुझे। ये देखिए एकदम अलग हो गया है, पानी भी है अलग है, छेना अलग है। तो इसको मैं अब स्टेन कर लूँगी। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी सिंपल या डिलीशियस रेसिपी को जानने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ना छेना अलग कर लिया है, पानी अलग कर लिया है, तो इसको मैं थोड़ी देर ऐसे ही रख देती हूँ, जिससे कि इसका पानी बिल्कुल स्टेन हो जाए। और ये देखिए, मैंने जो अलग से दूध लिया था 1 लीटर, उसमें भी अच्छा उबाल आ गया है, ये देखिए। तो इसको मैं अब रेगुलर नहीं चलाऊंगी, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और छेना है वो भी है ना, उसका भी पानी स्टेन हो गया है। तो फ्रेंड्स, जो छेने का पानी होता है ना, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, सब्जी में बना सकते हैं, मठे के आलू में डाल सकते हैं, बेसन में डाल सकते हैं। तो अब छेने को है ना हथेली की सहायता से, यानी कि पाम की सहायता से हमें इसको अच्छे से मैश करना है। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, मलाई लड्डू के लिए ना घर का बना हुआ ही छेना अच्छा रहता है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है, और जो मार्केट से छेना आता है ना, वो उसमें सॉफ्टनेस नहीं होती है, वो थोड़ा सा हार्ड होता है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर नहीं होता है। और ये देखिए एकदम सॉफ्ट छेना हमें मिल गया है, ये देखिए मैंने हाथों से इसको अच्छे से मैश कर दिया है, ये देखिए एकदम मक्खन सा लग रहा है। तो आइए गैस के पास चलते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, दूध है वो भी, उसकी भी क्वांटिटी कम हो गई है, तो हमें थोड़ा सा और दूध कम करना है। ये देखिए दूध आधे से भी कम हो गया है। तो फ्रेंड्स, मैं इसको रेगुलर चलाऊंगी, क्योंकि नीचे लग नहीं जाए। और फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, मलाई लड्डू बनाने के लिए हमें हाई फ्लेम का ही यूज़ करना है, फ्लेम को धीमा नहीं करना है। नहीं तो आप सोचें कि फ्लेम को धीमा करके हम पकाएंगे, तो इससे हमारी लड्डू है ना मलाई लड्डू वो एकदम वाइट नहीं बनेंगे फ्रेंड्स। तो इस स्टेज पर मैंने है ना छेना डाल दिया है सारा, ये देखिए सारा मैंने छेना डाल दिया है फ्रेंड्स। अब मैं इसको रेगुलर चलाऊंगी, और जो साइड से दूध लग जाता है ना, उसको भी मैं साथ ही साथ हटाती चल रही हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, आपको अगर है ना मलाई लड्डू एकदम वाइट बनाने हैं ना, तो फ्लेम बिल्कुल भी धीमी मत करना, नहीं तो आपके लड्डू में थोड़ा सा पीलापन सा आ जाएगा। तो अब हम इस स्टेज पर चीनी डालेंगे। तो मलाई लड्डू में ज़्यादा चीनी नहीं डालते हैं, क्योंकि है ना दूध में भी अपनी मिठास होती है, पनीर में भी, तो क्योंकि हमने घर पर ही बनाया है, तो इसमें मैंने 5 से 6 चम्मच ही चीनी डाली है फ्रेंड्स। और चीनी को हम मेल्ट होने देंगे, तो रेगुलर चलाएंगे, जिससे कि नीचे लगे नहीं। तो फ्रेंड्स, मलाई लड्डू बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर ले ली है फ्रेश क्रीम आज की, तो जितनी निकली थी मैंने आज पूरी ही की पूरी इसी में ही डाल दी है मलाई। ये देखिए एकदम फ्रेश क्रीम है, आज ही की क्रीम है। तो मैं इसमें अच्छे से मिक्स करूँगी अब। और ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने पनीर और मलाई डाली है, वैसे ही ये थिक होता चला जा रहा है, ये देखिए। तो इसको अब हमें रेगुलर चलाना है, और इसमें छींटे भी आ रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए काफ़ी छींटे आ रहे हैं, तो सेफ्टी से कीजिएगा। मैंने तो है ना थाली लगा ली है, बीच बीच में मैं थाली लगा लेती हूँ। और ये देखिए तो बहुत ज़्यादा थिक हो रहा है। तो अब हम यहाँ पर इलायची डाल देंगे, तो मैंने इलायची के दाने क्रिस करके डाले हैं फ्लेवर के लिए।
अच्छे से मिक्स करेंगे तो फ्रेंड्स हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, इसमें हल्का सा दूध रहना चाहिए फ्रेंड्स, हमें ज़्यादा नहीं इसको पकाना है, नहीं तो ये बर्फी बन जाएगा, कलाकंद टाइप में बन जाएगा, क्योंकि मलाई लड्डू होते हैं ना वो एकदम सॉफ्ट होते हैं। तो ये देखिए हल्का सा इसमें दूध है, तो इस स्टेज पर मैंने गैस को कर दिया बंद और इसको ठंडा होने देते हैं। तो आइए फ्रेंड्स ये देखिए फ्रेंड्स ये ठंडा हो गया है और ये आपको दूध जमा सा दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स कढ़ाई में, ये देखिए फ्रेंड्स तो ये दूध जम गया है ठंडा होने पर। तो यही इंडिकेशन है कि मलाई लड्डू हमारे एकदम सॉफ्ट बनेंगे, एकदम परफेक्टली बनेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये हल्का गुनगुना है तो इसको पहले हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो फ्रेंड्स इस रक्षाबंधन पर आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से और कमेंट में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारे लड्डू रेडी हो गया है, ये देखिए बहुत ही आराम से बन गया है, ये देखिए हाथों से ही घुमाने से ही बन गया है, ये देखिए परफेक्टली एकदम। तो ये लड्डू हमारे एकदम सॉफ्ट बने हैं, ये देखिए फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से हम अपने सारे लड्डुओं को बना लेंगे। और ये लीजिए फ्रेंड्स हमारे मलाई लड्डू बन करके रेडी हो गए हैं, ये देखिए एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। और ये देखिए इसमें से हल्का सा दूध भी निकल रहा है, थाली में आपको नज़र आ रहा होगा फ्रेंड्स। तो इससे पता चल रहा है कि हमारे मलाई लड्डू बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। तो मैं इन लड्डुओं को थोड़ा सा टीका लगा देती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर कोई फूड कलर का यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैंने है ना थोड़ी सी हल्दी ले ली थी और उसको दूध में मैंने घोल लिया था थोड़ा सा, तो उसका मैं टीका लगा रही हूँ, ये देखिए। तो इससे हमारे लड्डू है ना दिखने में अच्छे लगेंगे। और उसके ऊपर मैं लगा देती हूँ पिस्ता, ये देखिए। और ये लीजिए फ्रेंड्स हमारे मलाई लड्डू रेडी है सर्व के लिए। तो फ्रेंड्स मैंने तो रक्षाबंधन की तैयारी कर ली है। तो फ्रेंड्स आपके यहाँ क्या बनता है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और आपने रक्षाबंधन पर क्या क्या तैयारी की हुई है। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ कि मलाई लड्डू है ना कितने सॉफ्ट बने हैं। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ, ये देखिए एकदम मुंह में घुल जाने वाले। तो फ्रेंड्स इसी बात पर वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो आगे ऐसी ही सिंपल या डिलीशियस रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।